हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 26 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पोषण अभियान के तहत भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक आयोजित की गई। पहले यह घोषित किया गया था कि सितंबर का महीना हर साल राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। बैठक के दौरान आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत शहरी क्षेत्रों झोपड़ियों में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए दिशा निर्देशों की संवैधानिक मंजूरी भी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दक्षिण एशियाई खेलों में भारत को कितने स्वर्ण पदक दिला चुके पूर्व तीरंदाज अशोक सोरेन को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा अशोक सेरेन 2 स्वर्ण पदक दिला चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1999 में पाकिस्तानी आतंकी और उनकी सैनिकों ने भारतीय कश्मीर के कारगिल जिले में प्रवेश कर भारतीय पहाड़ियों व चोटियों पर कब्जा करने की सोची, परंतु भारत की अटूट सेना के सामने वे टिक नहीं पाए। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। इसमें भारत की विजय हुई। इस दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को सम्मानित करने हेतु 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युगांडा दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, इनमें से निम्न में कौन से शामिल है? आपका पहला ऑप्शन है रक्षा सहयोग संबंधित समझौता, नेक्स्ट वीजा में छूट संबंधित समझौता, सांस्कृतिक कार्यक्रम विनिमय समझौता, मेटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी संबंधित समझौता। तो इसमें आपके ये 4 पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें आंसर आएगा युगांडा के वर्तमान राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 कार्यक्रम 13 जुलाई 2018 को किन 3 राज्यों में लॉन्च किया गया? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बार के ओलंपिक पदक विजेता अमेरिकी तैराक रयान लोचटे पर यूएस एंटी डोपिंग एजेंसी ने कितने महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो इसमें आंसर आएगा 14 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से 27 जुलाई 2018 को ब्रिक्स देशों की 10वीं बैठक का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा जोहान्सबर्ग में, और इस बार की बैठक की थीम है अफ्रीका में ब्रिक्स 4थी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मद्य निषेध उत्पाद बिल 2018 को पारित कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा बिहार राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार किस तारीख के बाद भारत में केवल BS6 वाहनों की बिक्री होगी? तो इसमें आंसर आएगा 1 अप्रैल 2020 के बाद। इससे प्रदूषण की समस्या पर काफी हद तक रोक लगेगी। पेरिस जलवायु सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर लगाम लगाने की बात कही थी। इसके बाद से ही इस नियम को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। BS6 नियम आने के बाद कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर आएगा राजस्थान सरकार ने। और बिजली मित्र मोबाइल एप्लीकेशन
पर शिकायत करने के 6 घंटे के अंदर किसानों के खराब ट्रांसफॉर्मर बदल दिए जाएंगे। फिलहाल इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झालावाड़ जिले से की जा रही है और राजस्थान की मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्री द्वारा ओलंपिक में पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं की पेंशन राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसमें आंसर आएगा 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी व दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कितने बजट को मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा 1,754.14 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बजाज ऑटो लिमिटेड के CCO नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा राकेश शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 to 1944 के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा इस पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें आंसर आएगा प्रथम स्थान है कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में विकलांगता सूची में एसिड अटैक पीड़ितों को शामिल किया है? तो इसमें आंसर आएगा मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश में तेजाबी हमले के पीड़ित लोगों को दिव्यांग श्रेणी में शामिल किया गया है और उन्हें अब दिव्यांग अधिनियम 2016 के अंतर्गत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांगों के लिए अलग निदेशालय स्थापित किया है? तो इसमें आंसर आएगा असम सरकार ने। और सामाजिक कल्याण विभाग ने सभी दिव्यांगों को प्रतिमाह 1,000 रुपये देने का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2018 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो इसमें आंसर आएगा ताइवान के बैडमिंटन खिलाड़ी चोउ टियन चेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला इंडेक्स की सिफारिश करने वाले उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख का क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा प्रत्युष सिंह। प्रत्युष समिति ने कोयला ब्लॉक के मूल्य निर्धारित करने के लिए कोयला इंडेक्स की सिफारिश की। वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए पिछले साल स्थापित उच्च स्तरीय समिति ने कोयला ब्लॉक नीलामी प्रणाली में बड़े बदलाव का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटी किरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें आंसर आएगा ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म एटी किरनी द्वारा जारी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में भारत 11वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 कहाँ आयोजित की गई? तो इसमें आंसर आएगा वडोदरा गुजरात में। और गुजरात के वडोदरा में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में पंजाब के गोला फेंक खिलाड़ी धनवीर सिंह और केरल की 400 मीटर बांदा धाविका विष्णु प्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया। धनवीर ने 19.69 मीटर दूर गोला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि महिलाओं की 400 मीटर बांदा दौड़ को प्रिया ने 1 मिनट 2.52 सेकंड में पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने ई प्रगति कोर पहल शुरू की है? तो इसमें आंसर आएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। और ई प्रगति सभी विभागों को जोड़ने और मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की जनजातीय जनसांख्यिकी को उजागर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अपना पहला आदिवासी एटलस जारी किया है? तो इसमें आंसर आएगा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जनजातीय जनसांख्यिकी को उजागर करने के लिए नक्शे और आंकड़ों का एक सेट जारी किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संगठन ग्लोबल विटनेस की कितने देशों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार 2017 में रिकॉर्ड 207 पर्यावरणविदों और भूमिविदों की हत्या हुई है? तो इसमें आंसर आएगा 22 देशों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के हाई कोर्ट में किस महिला को पहली बार चीफ जस्टिस बनाया गया है? आपके ऑप्शंस है असफा मलिक, सैयदा ताहिर सफदार, जैनब मारिया और शरीफा अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यक्तित्व को मिस एशिया डीफ 2018 का ताज पहनाया गया है? आपके ऑप्शंस है देशना जैन, प्रेरणा शर्मा, सोनल सिंह और सोनाली भार्गव। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।